जितने भी जितने जी प्रतिनिधि जी हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, सबको कहा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। जो भी आते हैं वादा करके जाते हैं कि हम सब कुछ करवा देंगे, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं। 87 का दहाड़ा आया, उसमें भी हुआ, 2007 में आया वो भी हुआ, इस बार भी जो है वही दशा है। अभी तक कोई देखने के लिए नहीं। एक गाँव से दूसरे गाँव के जाने के लिए लिंक रोड जो टूट चुका है, जाने के लिए जितने भी जो महिलाएं लोग हैं उसके लिए सब कहीं कुछ नहीं है। एकमात्र साफ पार्टी के नेता जो मितेश कुमार साथी हैं, वही ने जो दिए हैं, जो कि सहारा बना हुआ है कि जो महिला लोग को जाने के लिए, चाहे आम पब्लिक जो भी है। कोरोना महामारी के बीच में ये बाढ़ की महामारी हम लोग झेल रहे हैं, पूरा गांव त्रस्त है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। जो किसान है पूरी तरीके से खेती पर आश्रित है, आप देख सकते हैं कि उनके खेतों का क्या हाल हो रखा है। इस सुशासन बाबू के राज्य में दुशासन वाला काम हो रहा है। कहते हैं कि 15 साल में विकास किए, ये 15 साल का विकास है, देख लीजिए। इलेक्शन के पहले लोग आते हैं ना, तब पैर छूके प्रणाम करते हैं कि जो होगा सो हम करेंगे। आ इलेक्शन खत्म हुआ, इसके बाद फिर नजर से दिखाई लोग नहीं देते। में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है और अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन अच्छे दिन किसके आए हैं और बिहार में कहां बाहर है, इसका अंदाजा इस पानी को देख के आप लगा सकते हैं। बगल में देखिए घर है, घर में पानी आ गया है। इस तरफ देखिएगा आप, बगल में सामने आपको दिख रहा होगा कि मुर्गी फार्म है, उसमें भी पानी चला गया है। दावा है कि इसमें मुर्गी था और उसी वक्त पानी गया, और उसके बाद जो मुर्गी फार्म संचालक है उनकी स्थिति क्या हो सकती है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार और मैं हूं सुबोध सिंह। अभी हम भगवानपुर पहुंचे हैं। ये भगवानपुर का मांगनपुर पंचायत है और इस पंचायत के हरपुर कस्तूरी गांव है। उस गांव में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अंदाजा लगाइए कि चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ दिखाइएगा। सामने मुर्गी फार्म दिख रहा होगा, वहाँ पानी है। चारों तरफ ये सड़क है, सड़क पे पानी है। और सबसे विडम्बना की बात यह है कि घरों में पानी घुस गया है, और इसके बाद लोगों की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अभी गांव के कई जागरूक के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अशोक जी भी है जो समाज सेवी है, स्कूल का संचालन भी करते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कब से समस्या आई है, गाँव में पानी आ गया है, कितना दिन हो गया? ये 10 दिनों से ऊपर से पानी है। यहाँ कोई अभी तक जैसे कि सरकारी व्यवस्था, जैसे कोई भी माने पदाधिकारी आके देख रेख नहीं किए कि यहाँ पानी घुसा हुआ है, तो सर क्या निदान हो जाए कि पानी निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, समझे कि नहीं। चाहे कोई भी अभी मैंने जो प्रतिनिधि जो है, नेता जो है, न कोई नहीं आया। आपका घर भी कुछ प्रभावित है? हाँ, हम लोग घर में पानी ढुका हुआ है। आपके घर में? आपका घर किधर है? ये टूटा किधर? घर दिखाइएगा। सामने पानी की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले घर भी देख लीजिए। सरकार का दावा है कि हर घर को पक्का का किया जाएगा, लेकिन सामने घर देख सकते हैं कि घर देख के अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार के दावों में कितना दम है और कितना बाहर आया है। और इस घर में भी, इस घर में जो टूटा फूटा घर है, इसमें पानी चला जाए उसके बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सरकार जो वादा करती है उसमें कितना दम होता है। वार्ड सदस्य है, नाम क्या हुआ आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर जी, इस समस्या है लगभग 10 दिनों से आई है, आपने ऊंचे अधिकारी जो है उनसे बात की है? हाँ, सबसे बात किए हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। आप उनसे मिलने गए थे या फोन किए थे? फोन किए थे जी। मिलने नहीं गए हैं? जाहिर सी बात है कि जब गांव में आपकी आपदा आएगा तो अपने घर को संभालिएगा, अधिकारियों के चक्कर लगाइएगा जी। यानी कोई मुखिया जी के भी गए तो उनका भी यहाँ तक पानी, यानी मुखिया जी के घर में भी पानी आ गया, तब अब आम जनता क्या करे? आम जनता इस पर क्या करेगा? पूरा तकलीफ है। 5-6 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, ये लोग का पानी अंदर में घुसा हुआ है, खाना बनाने में भी दिक्कत है। महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे दिक्कत हो इतना। हाँ, तो दिक्कत ना है, देखे करी ले दिक्कत, चल के देख लू घर में, दिक्कत हेबे करे। घर में पानी घुसल है? हाँ, चलू। हाँ चलू ना, कहाँ जाऊगा, माल जाल है तो उन्हें रख लिया, लड़का बच्चा है छोटा छोटा, कहाँ लेके जाऊंगे लड़का? खाना पीना रहना सहना है में। हाँ, तो कहाँ जाऊ? यानी तकलीफ का अंदाजा लगाइए। सबसे बड़ी बात है कि विडम्बना देखिए कि गरीबी का आलम देखिए, उसके बाद घर में पानी आ जाए, माल मवेशियों को तो आप ऊंचे स्थान में पहुंचा देते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे आप कैसे रह सकते हैं? आइए और भी गांव का हालात आपको दिखाते हैं और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहां के तकलीफ के बारे में। पहले तो आप तस्वीरें दिखाइए,
आपको यही दिखेगा, सामने सामने देखिए कि पेड़ पौधा है, खेती भी हो रहा होगा उधर, खेती भी से प्रभावित हुआ है और इससे तो खेती भी प्रभावित हुआ होगा। धान में सब दह गया, सब खत्म हो गया, धान दह गया, हाँ सब दह गया, मकई था, हाँ चौपट हो, पूरा मेहनत बेकार, पूरा बेकार हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई सरकार की ओर से नहीं है, कोई देखने तो नहीं आया यहाँ पर कि क्या हालत है पब्लिक का। तो ऐसे जो लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट है, खुद को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, वो आते नहीं है, तो कमी किस में है, आप में कमी है, उनमें कमी है, कि जो सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे देने के बाद नहीं आने पर तो प्रशासन के ऊपर ना थी है दिक्कत। अच्छा कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया है? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जो विधायक हो गए, सांसद हो गए, सांसद के प्रतिनिधि कोई नहीं, सिर्फ वोट के समय आते हैं लोग, खाली वोट आप वोट दे देते हैं, हाँ वोट देते हैं, आज जीत के जाते हैं उसके बाद सामने नहीं आते, नहीं आज तक सवाल करते नहीं है, हाँ जरूर करते हैं, करते हैं, सवाल जब करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, जब प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं, जब आपके यहाँ आपदा आता है, समस्याएं आती है, नहीं उनको तब जिता देते हैं, आपके आपके समस्या जब घर में आती है तो आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में अपने लूटने के फिर लोग वोट क्यों देते हैं, क्या करे थे, एक बार आए उस बार अगला बार कोई दूसरा आया तो नया प्रोत्साहन दिया लोग, फिर अगले बार की दीजिए, सवाल करते हैं उनसे, सवाल काम करेंगे, सब आदमी सब लोग करता है, हम लोग भी कहते हैं कोई सुनवाई नहीं, लेकिन लेकिन इसका कोई असर नहीं, बाद में सब कुछ हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता है। इधर 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 ही सामने सामने सामने, अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम धीरेंद्र कुमार सिंह हुआ। इस सुशासन बाबू के राज्य में दुशासन वाला काम हो रहा है, कहते हैं कि 15 साल में विकास किए, ये 15 साल का विकास है, देख लीजिए 15 साल का विकास, यही यही है विकास 15 साल का, कि नदी में पानी आता है और पानी का बहाव इतना हो जाता है, सरकार का दबाव होता है कि नहीं हम बाढ़ का स्थायी निदान निकाल रहे हैं, 50 साल से हर एक जो भी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं सबका यही दबाव होता है कि हम बाढ़ का स्थायी निदान निकाल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बांध बना रहे हैं, डैम तो बना दिया जाता है लेकिन बांध क्या बनाया जाता है उसका अंदाजा खूब लगा सकते हैं, कि थोड़ा सा पानी का फ्लो बढ़ता है उसका गांव में पानी लीकेज होने लगता है, उसके बाद गांव के लोग की स्थिति क्या होती है आप अंदाजा इससे खुद लगाइए, स्थिति होता है हर बारी बाया नदी के जो पानी है वो हर बार यही स्थिति होता है, और पेड़ पौधा लोग लगाया जाता है 10 साल 5 साल हुआ उसके बाद सूख जाता है, उसका कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलता। अच्छा हम लोग कठिनाई आने जाने के लिए कठिनाई हो रहा है, आने जाने में चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, बगल में जाकर देखिए, अंदर में घुस के देखिए कि कितना धान का खेती हुआ था, सारा बर्बाद हो गया, कितना पेड़ भी गिर गया अंदर में जो पेड़ सब था। अच्छा कितना लगभग पानी की तरफ ही चलते हैं, पानी की तरफ ही चलते हैं आने जाने के लिए, मात्र एक साफ पार्टी का नेता जो मितेश कुमार साथी जो है वही अभी तक नाव का मुहैया करा है, और दूसरा कुछ प्रशासन की ओर से प्रशासन फेल, प्रशासन फेल, व्यक्तिगत स्तर पे कोई जो शख्स है वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, राहत कोष चाहे जो भी है पर्सनल वही सिंगल नेता है, अब कोई नहीं दे रहा है, शासन ने कुछ नहीं आ रहा है, कोई वीडियो सीओ कोई भी नहीं आ रहा है पूछने की क्या हालत है पब्लिक का, प्रशासन तो उलट के। अच्छा आप आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 67 साल। 67 साल में आपने तो बहुत बार देखा होगा, तीन बार देखा है, इससे पहले बार कब आई थी? 7 में। 7 में। 7 के बाद अभी 87। आपके आपके पास तो बहुत नेता आए होंगे, सबने किया आपसे विकास का वादा किया होगा, ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, लेकिन कोई गंभीर नहीं दिखा आज तक, कुछ नहीं, कुछ नहीं आज तक, कुछ नहीं, जो भी काम करते हैं इलेक्शन के पहले हो जाएगा फलना काम, उसके बाद नहीं होता है, इसलिए बात करते कि अनुभव भी होता है अपना, इलेक्शन के पहले लोग आते हैं ना पैर झुके प्रणाम करते हैं कि जो होगा सो हम करेंगे, आ इलेक्शन खत्म हुआ इसके बाद फिर नजर से दिखाई लोग नहीं देते, लोकल मुखिया पहले देखने आया है, लोकल मुखिया देखने आया है कि क्या परिस्थिति, मुखिया जी के घर में तो खुद ही पानी घुसा हुआ है, तो फिर पानी में घुसा हो मुखिया आके तो देखते कि हाँ भाई क्या दशा है, क्या अथी है, माल जाल बांधने के लिए बथान है, देखिए कि सामने जो पानी का जो बहाव तेज बहाव आया उसके बाद ये बथान बना हुआ था, बथान गिर गया है, और भी कहाँ का पानी गया है, पानी तो वहाँ तक घर तक पहुँच गया, कहाँ का पानी आ रहा है, 5 फीट पानी है, 6 फीट, 6 फीट पानी आ गया, 6 फीट, 6 फीट पानी है, 6 फीट पानी है, घर पर चढ़ गया पानी, है नदी है, कोई देखने वाला है नहीं उसको, न वहाँ बांध है बढ़िया, न व्यवस्था है,
रहा जाता है हर बार, बहुत दिन से होता है ऐसा, जब बाढ़ आता है तब इस गोड़िया बांधे से माने आ जाता है पानी। जैसे समाधान, अगर समाधान पूछी जाए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान होगा कि वहाँ व्यवस्था किया जाए, गोढ़िया जान जो है भरा जाए, बढ़िया उसमें बनाया जाए डैम टाइप के, कि जब जरूरत हो तब तोड़ा जाए, न तो बंद रहे। छोटा पैमाना पर है उस पर, मैंने साधारण रोड है एक, बस रोड टप जाता है। बोट में आ गए हैं, नाव में आ गए हैं, और नाव से ही हम अब गांव के जो हालात है उसको अब दिखाएंगे। सामने देखिए एक घर है, चापाकल है, चापाकल है, ये बहुत ही उच्च, लोगों का कहना है कि बहुत ही ऊंचाई पे है, लेकिन चापाकल भी डूब गया है, पानी लोग कहां से पिएगी इसका अंदाजा लगा लीजिए। एक और एक घर के बगल में बहुत ऊँचे स्थान पर घर बनाया गया है, एक महिला सामने है, इनसे ही पूछेंगे। आपके घर से निकलने पर सामने पानी है, बहुत दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत है, पूरा घर में पानी है। और सामने आपका घर है? हाँ जी। तो देखिएगा सामने, दिखाइएगा सामने, देखिए कि इन्हीं का घर है, दूसरे घर में और घर दलान पे जाके बैठे रहते हैं, वहाँ पे सब आदमी दलान पे बैठते हैं। हाँ जी। अरे घर में रहने का कोई उपाय नहीं? नहीं कोई उपाय नहीं। आप कोई मिलने भी नहीं आया? कोई नहीं। जो बोर्ड दिए है वो तो मिलना है ना आपसे? हाँ जी। यानी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, और घर छोड़ के अब दूसरे जगह पे आश्रय लिए हुए हैं। और आप देखिए कि हमें भी जब गांव में जब हालात का जायजा लेना पड़ा, तो हमें यहां पे अब बोर्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो अशोक बाबू हैं, इनसे ही जानेंगे। अशोक बाबू, ये बार बार प्रॉब्लम आते रहता है कि आप लोगों को नाव खेपना पड़ जा रहा है, क्या करें? यहाँ का जो स्थिति जो है ना, पहले से ही जैसे कि सब कोई को कहा जा रहा है, जितने भी प्रतिनिधि जी हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, सबको कहा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। जो भी आते हैं वादा करके जाते हैं कि हम सब कुछ करवा देंगे, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं। 87 का दहाड़ा आया उसमें भी हुआ, 2007 में आया वो भी हुआ, इस बार भी जो है वही दशा है, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं। आपके गांव के ही लोग कहने कर रहे थे कि जो प्रशासनिक अमला है वो आता है, राय मशविरा लोगों से करता है कि हम तो ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट क्या निकलता है आप अंदाजा हम लोग खुद देख रहे हैं कि नाव पर बैठ के गाँव की सैर करनी पड़ेगी। सामने दिखाइए वो घर दिख रहा है, यानी नाव में बैठ के हम लोग उस घर पर पहुँच सकते हैं, इससे अंदाजा, इससे अधिक भयावहता क्या हो सकता है? देख लीजिए कि कितना पानी है, यहाँ लगभग 8 फीट से ऊपर पानी होगी इस जगह पे, जो कि आदमी कोई नहीं जा सकता है अपने एक गांव से दूसरे गांव के जाने के लिए। लिंक रोड जो टूट चुका है, जाने के लिए जितने भी जो महिलाएं लोग हैं उसके लिए सब कहीं कुछ नहीं है। एकमात्र साफ पार्टी के नेता जो नीतीश कुमार साथी हैं, वही ने जो दिए हैं, जो कि सहारा बना हुआ है कि जो महिला लोग को जाने के लिए, चाहे आम पब्लिक जो भी है, वो जो जाते हैं उनके सहारा से, अभी तक वही पूछने आए हैं, राहत कोष वही बातें हैं बस, और कोई नेता नहीं बैठा। यानी साफ पार्टी अभी तक गांव में सिर्फ साफ पार्टी के नेता ही पहुंचे हैं, वही वही बिल्कुल। हाँ, अभी तक किसी और जनप्रतिनिधि ने गांव की तरफ झांकने का भी प्रयास नहीं किया है, और स्थिति तो आपके सामने है जो देख रहे हैं, इतनी बड़ी विभीषिका है। कोरोना महामारी के बीच में ये बाढ़ की महामारी हम लोग झेल रहे हैं, पूरा गाँव त्रस्त है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो किसान है पूरी तरीके से खेती पर आश्रित है, आप देख सकते हैं कि उनके खेतों का क्या हाल हो रखा है, पूरी तरीके से उनके फसल डूब गए हैं, जो भी उनका पैदावार था वो समाप्त हो चुका है, तो उनके आजीविका पर भी ये असर पड़ा है, और ऐसी जो परिस्थिति है वो तो सबके सामने है। यानी जाहिर सी बात है कि आज तक हम नदी में बोट पर चढ़ते थे, तालाब में बोट पर चढ़ते थे, झील में भी चलते थे, लेकिन गाँव में सड़कों पर अपने एक घर से दूसरे घर में जाने पे, अपने गांव समाज में दूसरे के किसी दरवाजे पर जाने के लिए जब नाव का सहारा लेना पड़े, तो उसके बाद की स्थिति कैसी बिगट है उसका अंदाजा तो खुद लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कितना एकड़ फसल बर्बाद हुआ होगा? यहाँ पे तो हजारों एकड़ फसल है, जो आप 4-5 गाँव अभी पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में डूब चुका है। गोढ़िया हो गया, बगल में खिरखुआ है, ये हमारा गाँव हरपुर कस्तूरी हुआ, बगल में हरिवंशपुर है, फिर बांथू है, मतलब इस वारिसपुर है, 6-7 गांव, मतलब इस पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव हैं पूरी तरीके से बाढ़ में डूब गए हैं, पूरा फसल सबों का बर्बाद हो गया है, सारे किसान अभी बेघर हो गए हैं। अब ये क्षेत्र, ये हमारा लिंक रोड था,
जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से हम लोग को जोड़ता है वो पूरी तरीके से ये। तो आप देखिए कि हम भी अब वापस होंगे, लेकिन पूरा झील सा नजर आ रहा है और चारों तरफ देखिए कि लग रहा है कि जैसे कि नदी में हम लोग आ गए हैं और नदी में नाव की सवारी कर रहे हैं और घर तक जाने के लिए हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और ये बहुत ही कहा जाए दुखदायक एक पल कहा जाए एक क्षण है। ये भले ही अभी नाव की सवारी करने में किसी को आनंद आता है, लेकिन ऐसी स्थिति भगवान ने करे कि कहीं पे आए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे दुखद बात ये है कि जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि जिसको आप बड़ी उम्मीद से जिताते हैं और आपसे आके तमाम वादे करते हैं, विकास की वादे करते हैं, आपकी तमाम दुख तकलीफों को दूर करने की बात करते हैं, जब ये स्थिति आती है तो बहुत ही दर्द होता है, तकलीफ होता है और उन्हें कोसने का मन करता है, लेकिन क्या करें, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में है कि चुनाव होंगे ही, लोग आके वादे करेंगे ही, इसी प्रकार से वादे तोड़ेंगे ही और जनता इसी प्रकार तकलीफ में दुख तकलीफ में रहेगी, क्योंकि जो जिम्मेदार पर्सन है प्रशासन है वो भी कान में तेल डाल के सो गया है। इस तरीका से आप हमारे चैनल को देखते रहे, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।